और आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री खुद निकलकर लोगों के बीच में पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया बल्कि उनसे बातचीत भी की। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सोलन हिमाचल प्रदेश के, अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ पर जो विधानसभा चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं उन चुनाव में बीजेपी के लिए उन्होंने वहाँ पर वोट मांगे थे लोगों से। पहली जो उनकी रैली थी वो मंडी ज़िले में थी और दूसरी उनकी रैली सोलन हिमाचल प्रदेश में थी। रैली स्थल के लिए जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो सड़क के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग मौजूद थे। उन लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अभिवादन स्वीकार किया बल्कि दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने काफिले को रोककर वहाँ पर लोगों के बीच में चले गए। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, उनका अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और वेलकम आर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये प्लेकार्ड हाथ में लेकर वहाँ पर बच्चे मौजूद थे और उन बच्चों से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वहाँ पर प्रचार कार्य भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। पहली रैली उन्होंने मंडी ज़िले में की और दूसरी रैली प्रधानमंत्री ने सोलन हिमाचल प्रदेश में की। और प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकलकर सभा स्थल की ओर जा रहे थे तो सड़क के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर कर रहे थे और प्रधानमंत्री अपने जो उनका कारवां था उस कारवां को रोककर प्रधानमंत्री वहां पर रुके और अपनी गाड़ी से निकलकर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में पहुंचे। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, वहां पर जो बच्चे मौजूद थे उन बच्चों से बातचीत की और इन बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं प्लेकार्ड मौजूद हैं जिसमें बच्चे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। फूलों से प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे सड़क के दोनों ओर। सोलन हिमाचल प्रदेश के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों रैलियां प्रधानमंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण थीं आज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है चुनाव प्रचार वहां पर जोर पकड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने पहली रैली मंडी ज़िले में की और दूसरी रैली प्रधानमंत्री ने सोलन हिमाचल प्रदेश में की। सोलन हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकलकर सभा स्थल की ओर जा रहे थे तो उस वक्त सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और वहाँ पर आप सुन सकते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर वहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सोलन हिमाचल प्रदेश के, अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण दौरे पर थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है और मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वहाँ पर प्रचार कार्य अपने चरम की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। पहली रैली उन्होंने मंडी ज़िले में की, दूसरी रैली उन्होंने सोलन हिमाचल प्रदेश में की। और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये सोलन हिमाचल प्रदेश के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से सभा स्थल की ओर जा रहे थे तो सड़क के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। लोगों के हुजूम ने उनका स्वागत किया और लोगों के प्यार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ियों का जो काफिला था उसको रुकवाया। प्रधानमंत्री उससे उतरे और लोगों के बीच में पहुंचे।